दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। दोस्तों, दो नई टेक्नोलॉजी के ट्रेन इंडिया में आ रहे हैं, एक है बुलेट ट्रेन, एक और है हाइपरलूप। और आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं इन दो ट्रेन में से हमारे लिए बेस्ट ट्रेन कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, मयू आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ, वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुलेट ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों, सितंबर 2017 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और पीएम मोदी ने इसका वर्क लॉन्च किया। जो बुलेट ट्रेन इंडिया में आने वाली है दोस्तों, वो E5 सीरीज की शिंकानसेन ट्रेन हो सकती है, जिसकी लेंथ 253 मीटर्स है और इसकी पूरी बॉडी अल्यूमिनियम की होगी। और इस ट्रेन की स्पीड दोस्तों 320 किलोमीटर पर आवर एस्टिमेट की गई है। अब देखते हैं दोस्तों, ये ट्रेन इतना तेजी से क्यों भागते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये ट्रेन का जो शेप होता है वो एरोडायनामिक्स का होता है, यानी वो हवा को कट करते हुए आसानी से आगे जा सकती है। इसके अलावा ट्रेन में लोकोमोटिव इंजन नहीं होते और ये ट्रेन का जो वेट होता है वो लाइटर वेट होता है। सबसे बड़ी बात, इस ट्रेन के ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स हमारे जनरल ट्रैक्स की तरह नहीं होते दोस्तों, ये स्पेशल ट्रैक्स होते हैं जो हाई स्पीड ट्रेन को आसानी से मेंटेन और ऑपरेट कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, इस ट्रेन में ATCS यानी ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोलर सिस्टम होता है। जब भी एक ट्रेन ट्रेवल करेगी दोस्तों, ट्रैक्स के अंदर सेंसर्स होते हैं, वो उस ट्रेन को सेंस कर लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन दूसरी ट्रेन को पास कर देते हैं। इसी कारण दोस्तों, बुलेट ट्रेन से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जापान का तो रिकॉर्ड है दोस्तों, 50 साल में दोस्तों जापान में एक भी बुलेट ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हाइपरलूप ट्रेन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हाइपरलूप ट्रेन की ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, अभी दुनिया में कहीं भी ऑपरेशन में नहीं आई है, लेकिन कई जगह इसके ट्रायल रन्स चल रहे हैं। तो अब देखते हैं हाइपरलूप ट्रेन है क्या। सबसे पहले दोस्तों, एक वैक्यूम ट्यूब होगा यानी हाइपरलूप, और उस लूप में दोस्तों एक ट्रैक्स बिछाए जाएंगे। जो ट्रैक्स होंगे दोस्तों, वो मैग्नेटिक लिविएशन के होंगे। जो ट्रेन होगी वो उस ट्रैक्स को टच नहीं करेंगे, उससे थोड़ा ऊपर होंगे। इसी कारण दोस्तों, इसकी स्पीड जो होगी एरोप्लेन से भी ऊपर होगी, यानी 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। जिससे उसमें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दोस्तों, वो एक जनरल ट्रेन नहीं होगी जिससे 10-15 कोचेस होते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। वो एक पॉड होगा जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब वो पॉड जो होता है दोस्तों, लो प्रेशर ट्यूब से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के कारण उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये है हाइपरलूप की थियोरी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने इस थियोरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको सपोर्ट भी किया है और ये एलन मस्क का जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसको बहुत से अलग अलग कंपनीज बनाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि इस हाइपरलूप में इंडिया का क्या रोल है। तो आपको बता दूं, फरवरी 2018 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और हाइपरलूप वन वर्जन ग्रुप के साथ। इसके तहत दोस्तों, एक हाइपरलूप ट्रैक बनाया जाएगा जो मुंबई से लेकर पुणे तक होगा। दोस्तों, इन दो शहरों की डिस्टेंस करीब 150 किलोमीटर है, लेकिन इन दो शहरों का ट्रैवल टाइम करीब 2.5 घंटे से लेकर 3.5 घंटे तक है। तो इसको सरकार कम करना चाहती है, इसीलिए हाइपरलूप ट्रेन की टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो जो डिस्टेंस अचीव करने के लिए 2.5 घंटे लग रहे हैं, वो सिर्फ 25 मिनट में ट्रैवल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये है दो टेक्नोलॉजीज जो इंडिया में आने वाले हैं। तो अब देखते हैं इन दोनों का प्रोग्रेस। तो सबसे पहले बात करेंगे बुलेट ट्रेन की। तो दोस्तों, बुलेट ट्रेन की जो टोटल लेंथ है वो 508 किलोमीटर है, जो मुंबई शहर से लेकर अहमदाबाद तक कवर करेगी। और इसी बीच दोस्तों, इसमें 12 नए स्टेशन डालने का भी टारगेट है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $17 बिलियन एस्टिमेट की गई है। जब हम इसका प्रोग्रेस देखेंगे दोस्तों, तो 1400 हेक्टर्स की लैंड रिक्वायरमेंट है सरकार को इस बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए। लेकिन जुलाई 2018 तक दोस्तों, सरकार सिर्फ 0.9 हेक्टर यानी 1 हेक्टर भी लैंड जो है अभी तक एक्वायर नहीं कर पाई है। लेकिन लोगों से बात की जा रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो है गुजरात हाई कोर्ट में इसके ऊपर केस चल रहा है। तो दोस्तों, ये केस का रिजल्ट आएगा कब, इसका रिजल्ट क्या होगा और सरकार कब लैंड एक्विजिशन करेगी और कब इसका काम स्टार्ट होगा, ये एक देखने वाली बात है। अब उस नई टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस देखते हैं जो दुनिया में आने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, हाइपरलूप ट्रेन पर भी तेजी से काम किया जा रहा है और इसके लिए दोस्तों, एक 15 किलोमीटर की टेस्ट ट्रैक बनाई जा रही है पुणे में। इस पर ट्रायल रन किया जाएगा। ये ट्रायल रन कंप्लीट होने के बाद सेफ्टी मेजर चेक किए जाएंगे कि ये आम पैसेंजर्स के लिए सेफ है या नहीं, तभी दोस्तों इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। और दोस्तों, ये 15 किलोमीटर की ट्रैक बनाई जा रही है, जिसको बनाने की कीमत 3,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है। और ये टेस्ट ट्रैक 1 साल के अंदर यानी अगस्त 2019 से पहले कंप्लीट करने का कंपनी का टारगेट है। तो दोस्तों, ये थे डिटेल्स इन दो ट्रेन के। अब बात करते हैं दोस्तों, इस दो ट्रेन में से सबसे बेस्ट ट्रेन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों की स्पीड की। जो बुलेट ट्रेन दोस्तों हमारे पास आ रही है, उसकी मैक्सिमम स्पीड जो होगी 320 किलोमीटर पर आवर होगी। जबकि अगर हाइपरलूप ट्रेन सक्सेसफुल होती है तो उस ट्रेन की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी हाइपरलूप ट्रेन बुलेट ट्रेन से बहुत तेजी से दौड़ेगी।
अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके कॉस्ट की। तो आपको बता दूं हाइपरलूप वन वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन का ऐसा मानना है कि जितना कॉस्ट बुलेट ट्रेन को लग रहा है बनाने में उसके आधे अमाउंट में वो हाइपरलूप ट्रेन बना लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम फैक्ट्स देखेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 किलोमीटर की जो टेस्ट ट्रैक बनाई जा रही है उसको बनाने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। यानी इसका ये मतलब दोस्तों 1 किलोमीटर की टेस्ट ट्रैक बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए लग रहे हैं कंपनी को, जबकि बुलेट ट्रेन को 1 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं दोस्तों कि हाइपरलूप ट्रेन कितनी महंगी है बुलेट ट्रेन से। और एक बात दोस्तों, जब भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है वो अक्सर महंगी ही होती है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसमें इम्प्रोवाइजेशन लाकर उसको और सेफ एंड सिक्योर बनाकर उस टेक्नोलॉजी को दोस्तों और सस्ती की जाती है। ये हो गई बात कॉस्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पैसेंजर्स कैपेसिटी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलेट ट्रेन की। तो दोस्तों जो बुलेट ट्रेन इंडिया में आने वाली थी उसके पहले 10 कोचेस थे और इसकी पैसेंजर्स कैपेसिटी 750 थी, लेकिन अभी उस कोचेस को बढ़ा दिया गया है। अभी जो बुलेट ट्रेन आएगी दोस्तों उसके साथ 16 कोचेस हो गए और उसकी पैसेंजर्स कैपेसिटी 1250 होगी, जो एक अच्छी बात है। अब देखते हैं दोस्तों हाइपरलूप ट्रेन की। तो दोस्तों इसमें कोई कोचेस नहीं होगा, एक पॉड होगा, एक जगह से आपको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और एक पॉड की पैसेंजर्स कैपेसिटी 15 से लेकर 25 तक होगी। एट मैक्स दोस्तों इसकी 30 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होती। यानी एक पॉड मुंबई से पुणे का सफर तय करेगा, जिसका एक्चुअल ट्रैवलिंग टाइम 2.5 घंटा है, उसको वो 25 मिनट में कर देगा, लेकिन सिर्फ 25 पैसेंजर्स को ही वो यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हो कि शायद ज्यादा से ज्यादा पॉड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवल कर पाए। यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों कि कितने पॉड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए जाएंगे इन डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर दोस्तों 2 पॉड्स ट्रैवल किए जाते हैं, यानी एक पॉड आधा रास्ता कवर करने के बाद एक और पॉड को रिलीज किया जाएगा उस लूप में, आपको बता दूं घंटे में दोस्तों 90 से लेकर 100 लोगों तक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। अगर 2 की जगह दोस्तों ये नंबर 4 होता है तो 1 घंटे में दोस्तों 200 से लेकर 250 लोग तक ट्रैवल कर सकते हैं, उससे ज्यादा इस पे नहीं की जाएंगे। इससे हम कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि बुलेट ट्रेन जो है जनरल ट्रेन से बहुत महंगी होगी, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी भी पूरी अलग है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। अब ये आम आदमी अफोर्ड कर सकता है क्या, ये ट्रेन लॉन्च होने के बाद ही इसका पता चलेगा। और इसका लॉन्च करने का टारगेट दोस्तों 15 अगस्त 2022 तक है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जब तक ये ट्रेन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अब देखेंगे दोस्तों कि बुलेट ट्रेन वर्सेस हाइपरलूप का डिफरेंस। तो सिर्फ एक ही चीज में दोस्तों हाइपरलूप जो है बुलेट ट्रेन से आगे है, वो है स्पीड। अगर ये ट्रेन पूरी तरह ऑपरेशन में आ जाती है तभी इसकी स्पीड जो होगी बुलेट ट्रेन से ज्यादा होगी। इसके अलावा बाकी सभी चीजों में दोस्तों हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से पीछे है। और ये हाइपरलूप ट्रेन बुलेट ट्रेन के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है दोस्तों, क्योंकि अहमदाबाद और मुंबई का ट्रैक कंप्लीट होने के बाद इसके आगे के एक्सपेंशन के लिए और ज्यादा फाइनेंशियल आउटपुट लाने के लिए इसको जो है एक्सपेंड किया जाएगा। और एक्सपेंड जब किया जाएगा दोस्तों तो साउथर्न सिटीज में मिला जाएगा, यानी बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इससे कनेक्ट किया जाएगा। और जब कनेक्ट करेंगे दोस्तों तो ये मुंबई से पुणे होते हुए पुणे से जो है दूसरे सिटीज को कनेक्ट करेंगे, तो इससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हाइपरलूप ट्रेन मुंबई से पुणे में ऑपरेट करेगी तो उससे बुलेट ट्रेन को बहुत ही दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि बुलेट ट्रेन जो होगी वो मुंबई से फिर पुणे, पुणे से होते हुए साउथर्न सिटीज को कनेक्ट करेगी, तो उसको ज्यादा इकोनॉमिक फायदा होगा। तो दोस्तों हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बुलेट ट्रेन जो है हाइपरलूप ट्रेन से बहुत बेटर है। तो सवाल ये कि क्या बुलेट ट्रेन एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है? तो ऐसा नहीं है। हम थोड़ा और स्पीड को अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और सेमी स्पीड ट्रेन में जाएंगे तो वहां पे दोस्तों हमारा कॉस्ट जो होगा बहुत हद तक बच जाएगा। उसका एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन 18 की मैक्सिमम स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर है, इसे एक सेमी स्पीड ट्रेन कहते हैं, जबकि बुलेट ट्रेन की 320 किलोमीटर पर आवर है और इसे हाई स्पीड कहते हैं। तो 140 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस। लेकिन अगर हम इन दोनों के कॉस्ट की बात करेंगे तो बुलेट ट्रेन के 1 किलोमीटर के ट्रैक को बिछाने के लिए हमें 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि ट्रेन 18 जो है जनरल ट्रैक्स पर ही चलेगी तो उसका 1 किलोमीटर का ट्रैक जो है हमें बहुत ही सस्ता पड़ेगा, और वो नंबर है दोस्तों 8 करोड़। यानी इसका 8 करोड़ का 1 किलोमीटर का ट्रैक होगा और इसका 120 करोड़ का 1 किलोमीटर का ट्रैक होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में कितनी कमी होगी अगर हम 318, 1020 ऐसे ट्रेन्स का जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ, इससे एक दिक्कत ये होगी कि स्पीड भी थोड़ी कम हो जाएगी।
अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो नीचे पेटीएम, पेपाल और पेट्रियन का लिंक है, आप डोनेट कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।